अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है चांसेब हाशमी और यह है हैवल H6 HEV 2024 मॉडल। यह गाड़ी ब्रांड न्यू है और हैवल की तरफ से एक रीसेंट एडिशन है पाकिस्तान में, और इस गाड़ी ने काफ़ी तेज़ से अपनी मार्केट बनाई है। हाइब्रिड कार ये पहली थी पाकिस्तान की, इसके बाद और भी बहुत सारी गाड़ियाँ लॉन्च की गई बहुत सारे ब्रांड्स की तरफ से, जैसे कि टोयोटा क्रोला क्रॉस, हुंडई सेंटा फे, लेकिन यह गाड़ी उन सब में सबसे ऊपर है फीचर्स के लिहाज से भी, लुक्स के लिहाज से भी, पावर के लिहाज से भी, और यही वजह है कि पाकिस्तान में बहुत बिक रही है और अपने प्राइस पॉइंट पे भी ये गाड़ी जस्टिफाइबल है। किस तरह से मैं कवर करूँगा इस रिव्यू में, फिलहाल अगर बात कीजिए प्राइस पॉइंट की तो इसकी डिमांड 1,27,00,000 रुपए है। ये गाड़ी साइकिल मोड स्पोर्ट के पास अवेलेबल है और ये गाड़ी रेडिली अवेलेबल है। अगर आपने इस गाड़ी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोड स्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं जो कि रावलपिंडी में DHE2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। साइकिल मोड की टोटल 2 ब्रांचेस हैं, एक रावलपिंडी में मरी रोड पे और फिर एक रावलपिंडी में ये वाली ब्रांच। इन दोनों ही ब्रांचेस पे गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग के साथ साथ गाड़ियों के काम भी किए जाते हैं, जैसे कि टेंट्स, रैप, सिरेमिक कोटिंग, PPF, ग्रेफीन कोटिंग, यहाँ पे गाड़ियाँ फेसलिफ्ट भी की जाती हैं और उसके अलावा यहाँ पर एक पेंट बूथ भी अवेलेबल है। तो गाड़ियों की मॉडिफिकेशन, बाइंग एंड सेलिंग या कार केयर वगैरह के किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटर्स एंड साइकिल मोटर स्पोर्ट्स इज द प्लेस। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट SUV एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। Let's talk about the exterior of this car. इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। YouTube पे ग्रोथ के लिए दोनों चीजें मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। खैर, अगर बात की जाए इस गाड़ी के फ्रंट एंड की तो हैवल H6 HEV के अंदर फ्रंट एंड थोड़ा सा डिफरेंट आता है एज कम्पेयर टू छोटे वेरियंट्स। इसमें टोटल 3 वेरियंट्स आते हैं पाकिस्तान में, 1.5 टर्बो, 2.0 टर्बो और फिर 1.5 टर्बो हाइब्रिड, जो कि यह गाड़ी है और लुक के लिहाज से मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा बेस्ट है। इसका फ्रंट एंड काफी मीन सा है जबकि बाकी वर्जन में ग्रिल काफ़ी बड़ी सी आ रही आती है और उसमें क्रोम बहुत ज़्यादा दिया गया होता है। इसमें ग्रिल उससे भी ज़्यादा बढ़ दी गई है लेकिन इसमें क्रोम काफ़ी थ्रेडल सा दिया गया है। इसमें बेसिकली गैलेक्सी स्टार टाइप का पैटर्न दिया गया है जो कि इसकी लुक को बहुत बेहतर बना रहा है, और इसके अलावा अगर बात की जाए फीचर्स की तो ये भी इसमें बहुत सारे दिए गए हैं। इस तरह से कि ये गाड़ी फ्रंट पे फ्रंट कैमरा ऑफर करती है, पार्किंग सेंसर्स ऑफर करती है, हेडलाइट इस गाड़ी में ऑटोमेटिक फीचर के साथ आती हैं, यानी कि डे और नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ होती हैं। फिर इसके अलावा इसमें ये 2 LED प्रोजेक्शन लैंप्स दिए गए हैं जो कि इसकी लाइट्स को भी लुक्स के लिहाज से काफ़ी बेहतर बनाते हैं, और फिर ये DRL भी दी गई हैं जो कि इंडिकेटर में स्विच करती हैं। इसके अलावा हैवल का अगर आप बैच नोटिस करें तो ये बैच वैसा नहीं है जैसा कि शुरू में आता था। हैवल ने कुछ टाइम पहले अपना बैच रिवाइज किया है और ये नया वाला बैच है। इसके अलावा इसके मफलर में थोड़ा बहुत क्रोम दिया गया है, फॉग लैंप्स दिए गए हैं, ऊपर से रडार आता है जो कि इस गाड़ी के बहुत सारे फीचर्स को इनेबल करता है, और फिर इसमें वाइपर्स भी रेन सेंसिंग आते हैं। इन सब पे मैं आगे बात करूंगा अभी इंटीरियर में जाके। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो ये भी लुक्स के लिहाज से काफ़ी डिसेंट सी है और साइज़ के लिहाज से ये गाड़ी काफ़ी बड़ी सारी है। अगर बात की जाए इस वाले एरिया की तो यहाँ पे एक चीज़ डिस्टिंक्टिव है जो कि सिर्फ HEV वाली कार में आती है, और वो है ये क्रोम की फ्रेल। इसके ऊपर फिलहाल टिपिंग हुई भी है, अंदर क्रोम आता है, और ये चीज़ सिर्फ HEV में आती है, सिंपल कार्स में नहीं आती। जो भी गाड़ियाँ हाइब्रिड होती हैं उनमें साइड पे हाइब्रिड की इंडिकेशन दी गई होती है, पिछले को प्रियस हो, मर्सिडीज हो या जो मर्जी गाड़ी हो। सेम को सो दिस कार, इससे भी यहाँ पे की फ्रिल दी गई है जो कि आपको साइड से नोटिस करवा सकती है कि ये गाड़ी हाइब्रिड है। बाकी फीचर यहाँ पे डिसेंट दिए गए हैं, इस तरह से कि इस गाड़ी के साइड मिरर रिट्रैक्टेबल हैं, एडजस्टेबल हैं, इनमें ऑटो का फीचर भी आता है, यहाँ ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर्स भी दिए गए हैं, नीचे कैमरास भी दिए गए हैं जो कि आपको इसका 360 डिग्री व्यू देंगे, और इसके अलावा इसमें पेडल लैंप्स भी दिए गए हैं जो कि आपको रात के टाइम इसमें काफ़ी वेलकमिंग से फील देंगे। इसके अलावा रिम इसमें 19 इंचेस के आते हैं, इसमें ओवर फ्रंट कंटिन्यू करते हैं जो कि इसके लुक को बेहतर बना रहे हैं, और इसके अलावा इसमें पार्किंग सेंसर भी यहाँ साइड तक दिए गए हैं तो ये गाड़ी आपको साइड तक के ऑब्स्टिकल्स को इंडिकेट करेगी। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल की तो साइज के लिहाज से ये गाड़ी एक मिड साइज SUV है, यानी कि ये ओशान, चेरी टिगो वगैरह के बराबर है साइज में। प्राडो वगैरह से छोटी है, फॉर्चुनर से भी छोटी है, लेकिन स्पोर्टिस वगैरह से बड़ी है। इन शॉर्ट ये स्पोर्टर और फॉर्चुनर के बीच की चीज़ है। कंफर्ट के लिहाज से ये गाड़ी दोनों से ऊपर है, फॉर्चुनर से भी ये बेहतर है। इस तरह से इसकी ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी सी कम है तो आपको इसकी एक थोड़ी ग्राउंडेड सी फीलिंग आती है, और इसके अलावा इसका सस्पेंशन भी स्मूथ है तो ये आपको राइड भी अच्छी देगा, जबकि फॉर्चुनर काफ़ी रगेड और प्रॉपर एक ऑफ रोडर है। ये गाड़ी उतनी ज़्यादा कैपेबल नहीं है, आप इसको फुटपाथों पर नहीं चला सकते, लेकिन रोड पर यह गाड़ी कम्फर्टेबल ज़्यादा होगी फॉर्चुनर से। इसके अलावा इसमें एंट्री एयर भी आसान है, इस तरह से कि आप अपनी ही हाइट पर जाकर इसमें बैठ सकते हैं जबकि फॉर्चुनर में आपको चढ़ के बैठना पड़ता है। इसके अलावा इसमें फिर ये डोर्स के आसपास नीचे एप्रंस कंटिन्यू किए गए हैं, यहाँ पे ये डोर में बोल्डिंग्स आती हैं क्रोम की जो कि इसके लुक को बेहतर बना रही हैं। इसमें सॉफ्ट अनलॉक आता है, यानी कि पूरी ही कार को मैं यही सही लॉक और अनलॉक कर सकता हूँ, और इसके अलावा ऊपर इसमें रूफ रेस भी दी गई हैं जो कि इसके लुक को अगेन SUV जैसा बना रही हैं। बाकी ये गाड़ी पैनोरामिक रूफ भी ऑफर करती है। और अगर बात की जाए इस वाले एंड की तो यहाँ पे एक चीज़ इंटरेस्टिंग है और वो ये है कि इसकी रेयर विंडोज प्राइवेसी वाली हैं, जबकि पाकिस्तान में जितनी भी गाड़ियाँ आती हैं उनमें सारी की सारी विंडोज ट्रांसपेरेंट होती हैं, ये चीज़ जापानी गाड़ियों में होती है। हैवल पाकिस्तान में भी विंडोज ट्रीटेड ऑफर करा है। अब इसके पीछे वजह ये है कि हैवल ने बेसिकली प्रॉमिस किया था कि जो गाड़ी बाहर आती है सेम टू सेम वैसी ही पाकिस्तान में भी आएगी,
तो उन्होंने पाकिस्तान में सेम टू सेम गाड़ी डिलीवर की बाहर जैसी ही, लेकिन उन्होंने विंडोज़ को भी ट्रांसफर नहीं किया। एक एक चीज़ यहाँ पे वही कॉपी की गई है जो कि चाइना या बाकी कंट्रीज़ में आती है। ये मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छी चीज़ है। इसके अलावा अगर आप नोटिस करें तो हैवल के जो फ्रंट और बैक पे बैजेस हैं ये नए दे दिए गए हैं, लेकिन इसकी जो विंडोज़ में बैचिंग दी गई है ये पुरानी वाली ही है। की फॉब और विंडोज़ ये मेरे ख्याल से अभी तक हैवल ने नए डिज़ाइन नहीं किए और इन पर पुराना ही लोगो चलता आ रहा है। ड्रिंक के अंदर का जो सेंटर कैप है इवन इसको भी नया डिज़ाइन दे दिया गया है, लेकिन विंडोज़ के और चाबी के लोगों को अभी तक पुराना कंटिन्यू किया गया है। बाकी इसके अलावा फ्यूल रोज का यहाँ पे दिया गया है और हाइट के लिहाज से ये गाड़ी बैक पे भी डिसेंट है और इसके पार्किंग सेंसर अगेन बैक पे यहाँ तक आते हैं, तो ये बैक से भी आपको यहाँ तक के ऑब्स्टिकल्स इंडिकेट करेगी। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के रेयर एंड की तो ये भी उसके लिहाज से पूरी गाड़ी की तरह बहुत मज़ेदार है। ये गाड़ी हर लिहाज से अपनी वैल्यू को जस्टिफाई करती है। बैक पे इस पर ईट्रॉन या इलेक्ट्रिक कार्स की तरह प्रॉपर एक रनिंग लैम्प कंटिन्यू किया गया है एंड टू एंड। ये काफ़ी बड़ा सारा एलईडी बार है जो कि इसकी लुक को बहुत मज़ेदार और फ्यूचरिस्टिक बना रहा है। आप रात को इस गाड़ी को अगर रोड पे देखें तो आपको इलेक्ट्रिक कोई ऑडी वगैरह लगती है। फिर इसके अलावा इसके बैक पे अगेन हैवल की बैजिंग दी गई है जो कि इंडिविजुअल करेक्टर्स हैं। और अगर बात की जाए फीचर्स की तो ये गाड़ी डिसेंट ऑफर करती है। इस तरह से कि बैक पे पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं, इसमें रियर फॉग भी आती है और इसके अलावा ऊपर जो इसका स्पॉइलर है इसमें ब्रेक लैंप डिफरेंट दिया गया है। S6 के छोटे वर्जन हैं 1.5 और 2.0, उसमें ब्रेक लैंप के अंदर सिर्फ सिंगल ही बार आता है, जबकि इसमें ये चार अलग अलग LEDs दे दी गई हैं। और लुक्स के लिहाज से मेरे ख्याल से सिंपल कार का स्पॉइलर बेहतर है, बट बैक से इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए इसमें ये लाइट्स दी गई हैं। अगर आप ये लाइट्स देखें तो आप दूर से समझ जाएं कि ये गाड़ी HEV है। फिर इसके अलावा यहाँ पे HEV की बैचिंग दी गई है। और अगर बात की जाए ट्रंक कैपेसिटी की तो ये भी इसकी अच्छी खासी स्पेशियस है और इसका टेलगेट भी पावर्ड आता है। मैं इसको की फॉब से भी अनलॉक कर सकता हूँ और यहाँ सेंटर से भी, ये ऑल द वे अप जाएगा लाइक दिस ऑटोमेटिकली। और अब इसके हाइट को भी एडजस्ट कर सकते हैं। टेलगेट हाइट की एडजस्टमेंट गाइड मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है जो कि आप जाकर मेरे पेज से देख सकते हैं। अगर बात की जाए ट्रंक कैपेसिटी की तो ये इसकी अच्छी खासी स्पेशियस है। यहाँ पर आप 4 से 5 लोगों का लगेज इजीली रख सकते हैं, लेकिन अगर फिर भी सफिशिएंट ना हो तो आप इसकी सेकंड रो सीट्स को भी फोल्ड कर सकते हैं। फिर इसके अलावा इसके ट्रंक में नीचे के लिड को उठा के आप इस गाड़ी की टोटल एक्सेस कर सकते हैं। स्पेयर टायर इसमें नहीं आता क्योंकि यहाँ पर इसका बैटरी पैक और हाइब्रिड का यूनिट दिया गया है, लेकिन बाकी इसकी ट्रंक में नीचे के लिड को उठा के आप इस गाड़ी का स्पेयर टायर बाकी इसकी ट्रंक में नीचे दी गलेट को उठा के आप इस गाड़ी की टोटल एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर स्पेयर टायर नहीं आता। इसका यहाँ पर हाइब्रिड यूनिट और बैटरी पैक वगैरह आता है तो इसमें स्पेयर टायर नहीं दिया गया बल्कि इन्फ्लेटर किट दी गई है। इसके अलावा ट्रंक में ये प्रॉपर एक सेपरेशन दी जाती है जिसको आप निकाल भी सकते हैं गाड़ी से बाहर। इसके अलावा बैक पे इसके ये वाइपर दिया गया है, वॉशर दिया गया है जो कि पाकिस्तानी कार में नहीं आता अगेन, बट इसमें कंटिन्यू किया गया है। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंटीरियर की तो इंटीरियर के लिहाज से भी पूरी ही गाड़ी की तरह बहुत मज़ेदार है और फ्यूचरिस्टिक सी है। यहाँ पर एक काफ़ी बड़ी स्क्रीन दी गई है जैसा कि हमर ईवी में आती है। मीटर भी इसका लुक्स के लिहाज से काफ़ी डिसेंट सा है और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉन्फिगरेबल हैं और इसके इंटीरियर में क्रोटॉन्स भी ऑफर होती हैं। ये स्पेसिफिक कार चेरी विद ब्लैक है, इसमें ब्राउन विद ब्लैक इंटीरियर भी आता है। उनके रिव्यूज़ भी मैंने किए हुए हैं जो कि आप जाके मेरे पेज पे देख सकते हैं। फिलहाल अगर बात की जाए स्पेसिफिक गाड़ी की तो इसमें स्टेयरिंग व्हील जो है ये पूरा ही लेदर की फिनिश में है और इसमें स्टिचिंग दी गई है वाइट कलर की। इसके छोटे वर्जन में स्टेयरिंग की स्पोक्स गोल्डन भी आती हैं। इसके अलावा स्टेयरिंग के सेंटर में जो ये हैवल का लोगो दिया गया है ये भी नया वाला है। और अगर बात की जाए लेफ्ट स्पोक की तो लेफ्ट जो स्पोक्स दी गई हैं ये मल्टीमीडिया की हैं, राइट जो स्पोक्स दी गई हैं यहाँ से इसके मीटर की विशन नेविगेट कर सकते हैं। फिर इसके अलावा स्टेयरिंग व्हील के पीछे गाड़ी क्रूज कंट्रोल भी ऑफर करती है, आप इसे क्रूज इनेबल और डिसेबल यहीं से ही कर सकते हैं लाइक दिस। इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी के मीटर की, यहाँ पे एक चीज़ कम आती है एज कम्पेयर टू छोटे वेरियंट्स में इसके पैडल शिफ्टर्स आते हैं, जबकि सबसे बड़ी वाली कार में पैडल शिफ्टर निकाल दिए गए हैं। उसकी वजह यह है कि इसमें ट्रांसमिशन ECVT आती है और इसमें टिप्ट्रॉनिक वाला ऑप्शन नहीं है। इसका जो 2.0 वर्जन है या 1.5 टर्बो सिंपल वर्जन है उसमें पैडल शिफ्टर्स दिए गए होते हैं। बाकी इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी के स्पीडोमीटर की तो स्पीडोमीटर लुक्स के लिहाज से काफी छोटा सा है, लेकिन आपको सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन शो करवाता है। इसमें ट्रेल्स, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, आउटसाइड टेम्परेचर, ट्रैप प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ये सारी चीज़ें आती हैं। और इसके अलावा आप इसके थीम्स को भी चेंज कर सकते हैं। टायर प्रेशर जो इस गाड़ी का रिकमेंडेड है वो है 36, अगर आप इसको 32 या 33 रखेंगे तो यहाँ पर आपको TPM की लाइट आएगी। बहुत सारे लोग आते हैं और वो कहते हैं अगर TPM हमारा ऑन हो गया है, ऑफ नहीं हो रहा है, शक्ति ग्लिच है, बट ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में मोस्टली अपनी गाड़ियों के बाद 30 रखते हैं, अगर आप इसमें 30 रखेंगे तो फिर ये गाड़ी एरर देगी अनलेस आप इसमें 36 करवा दें। जैसे 36 करवाएंगे सारी लाइट चली जाएंगी। इसके अलावा ये फिर गाड़ी की मैसेज सारे यहाँ पर शो करवाती है, आप इसकी थीम्स को भी चेंज कर सकते हैं। उससे पीछे पर इसका हेडअप डिस्प्ले दिया गया है। हेडअप डिस्प्ले इसका साइज के लिहाज से अच्छा खासा मैसिव है और ये एक लग्जरियस फीचर है जो कि यूजली बड़ी कार्स में आता है जैसा कि लेक्सस वगैरह में। ये चीज़ ना प्राडो ऑफर करती है ना V8 ऑफर करती है और इसमें दिया गया है। बाकी इसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि रेड रूम के साथ है तो इसके नेटवर्क ऑफ वाला एरिया ये चेरी के कलर में है। और इसके अलावा सेंटर फ्री स्क्रीन दी गई है काफ़ी मैसिव,
जो आपके फीचर्स के लिहाज से काफी डिसेंट है। इसमें ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन, यूएसबी, ये सारी चीजें आती हैं। और इसके अलावा उससे नीचे पर इसके एयरबड्स दिए गए हैं। HEV वाले वर्जन में एयरबड्स के साथ यहाँ पे नीचे एम्बियन लाइट्स भी दी गई हैं डैशबोर्ड में इधर भी, और इसके अलावा डोर्स में भी। फ्रंट डोर, डोर्स और डैशबोर्ड में एक गाड़ी एम्बियन लाइट ऑफर करती है जो कि छोटे वर्जन में नहीं आती। ये अगर मेरे ख्याल से अच्छी चीज़ है। फिर इसके अलावा उससे नीचे इसके ये कुछ फिजिकल बटन दिए गए हैं, इसके बहुत सारे फीचर्स के, बाकी सारे ये ग्लॉस ब्लैक है। और उससे नीचे इसका वायरलेस चार्जर दिया गया है। आपके पास अगर वायरलेस चार्जिंग वालों के फ़ोन है तो उसको आप यहाँ पर रख के चार्ज कर सकते हैं। फिर इसके अलावा उससे पीछे इसका गेयर सिलेक्टर दिया गया है। इसमें जो गेयर सिलेक्शन है वो है PR&D की, और इसमें कोई पेडल शिफ्टर या मैनुअल वाला मोड नहीं आता। इसके छोटे वर्जन को आप मैनुअली चला सकते हैं। जैसे ही मैं इसको रिवर्स में करूँगा तो ये गाड़ी 360 डिग्री कैमरा ऑन कर देती है। ये अगर मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। बाकी एक गेयर सिलेक्टर रोटरी डिज़ाइन में है। ऐसे गेयर सिलेक्टर यूजली रेंज रोवर्स या बेंटलीज में आते हैं, जो कि इसमें भी दिया गया है। फिर पीछे की पार्किंग ब्रेक दी गई है जो कि इलेक्ट्रॉनिक है। साथ इसके दो कप होल्डर्स दिए गए हैं, और सेंटर कंसोल इसका स्पेस के लिहाज से काफ़ी स्पेशियस है। बाकी इसकी रेड साइड लेदर की फिनिश में है, और सेम लेदर इसका सीट में भी कंटिन्यू किया गया है। सीट्स भी काफ़ी कंफर्टेबल और चौड़ी हैं, और ये सीट्स परफोरेटेड हैं। इसमें हीटेड वाला फीचर आता है, लेकिन ये सीट्स वेंटिलेटेड नहीं है। अगर होती है मेरे ख्याल से अच्छी बात थी। इसकी हीटेड सीट्स को आप जाके स्क्रीन से ऑन या ऑफ कर सकते हैं। और इसके अलावा पैसेंजर की सीट में जो इसकी एडजस्टमेंट है वो दो दफ़ा दी गई है, एक लेफ्ट पे और फिर एक यहाँ राइट पे, ताकि पीछे वाले पैसेंजर भी बैठ के इसको आगे पीछे कर सके अपनी मर्जी के लिहाज से। इसके अलावा इसमें फ्रंट दोनों सीट्स इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल हैं। अगर बात की जाए डोर्स की तो ये अच्छे खासे मैसिव हैं, और इसके अलावा स्पीकर भी इसके डोर्स में फ्रंट पे चार दिए गए हैं। विंडोज सारी ही इसकी सिंगल टैप वाली हैं। साइड मिरर इसके रिट्रैक्टेबल हैं, एडजस्टेबल हैं, और में ऑटो का फीचर भी आता है। फिर इसके अलावा इससे आगे यहाँ पे इसके डाउन एसेस का कंट्रोल दिया गया है, और इसके अलावा हेड की एडजस्टमेंट दी गई है। वैनिटी मिरर गाइड ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए ऑफर करती है विद अ लाइट जो ऑटोमेटिकली ऑन होती है। और इसके अलावा रियरव्यू मिरर भी इसमें ऑटो डिमिंग वाला आता है। फिर इसके अलावा केबल लाइट्स भी इसमें लुक के लिहाज से काफ़ी डिसेंट सी दी गई हैं, और इसमें पीछे सनग्लास होल्डर दिया गया है। बाकी गाड़ी पैनोरामिक रूफ ऑफर करती है जिसको आप यहाँ से इलेक्ट्रॉनिकली ओपन या क्लोज कर सकते हैं लाइक दिस। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी में रियर पैसेंजर्स की सीटिंग कैपेसिटी की, थी बैक पे अच्छी खासी स्पेशियस है। मेरे पास लेगरूम का यहाँ पे कोई खास इशू नहीं है, और हेडरूम का भी डेफिनेटली, क्योंकि गाड़ी एक ऐसी भी है और इसमें फ्लोर बेड भी फ्लैट आता है तो यहाँ पे तीन लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। चार आना चाहें तो वो भी आ जाएंगे, लेकिन फिर सारा कंफर्टेबल नहीं होंगे। बाकी इसमें तीन हेडरेस्ट दिए गए हैं रियर पैसेंजर्स के लिए। सेंटर में इसके सेंटर कंसोल भी आते हैं जिसको आप निकाल के इसमें दो कप होल्डर्स या फिर इसको आप एज एन आर्मरेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी इसमें पिछले बैक पर डिसेंट दिए गए हैं। इस तरह से रियर पैसेंजर्स के लिए इसमें एयरबैग्स दिए गए हैं, चार्जिंग आउटलेट दिए गए हैं, आप फ्रंट लेफ्ट सीट को आगे पीछे कर सकते हैं। कैबिन लाइट्स दी गई हैं यहाँ पे LED में, और इसके अलावा ये गाड़ी पैनोरामिक रूफ भी ऑफर करती है। बाकी इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन इसमें टोटल तीन ऑफर होते हैं पाकिस्तान में। 1.5 टर्बो जो कि बेसिक होता है, फिर 1.5 टर्बो हाइब्रिड जो कि टॉप ऑफ लाइन है, और फिर इन दोनों के बीच में एक और इंजन भी आता है 2.0 टर्बो, और वो गाड़ी ऑल व्हील ड्राइव होती है। ये दोनों गाड़ियाँ 1.5 वाली फ्रंट व्हील ड्राइव ही हैं, और इन सब में सबसे ज़्यादा पावरफुल यही गाड़ी है। ये गाड़ी 247 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है जो कि एक एनॉर्मस फिगर है, और अपने कंपटीशन से ये बहुत ही ज़्यादा आगे है। अगर साइज़ के लिहाज से देखा जाए इसकी कंपटीशन सेंटा फे बनती है, चैरिटी को बनती है, वो सारी गाड़ियाँ 200 हॉर्स पावर से नीचे ही हैं, जबकि गाड़ी 247 है। सेंटा फे भी पावर के लिहाज से काफ़ी नीचे है। और अगर बात कीजिए टॉर्क की, तो ये गाड़ी 550 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करती है जो कि अगेन बहुत ज़बरदस्त है। अगर इसको फॉर्च्यूनर से कंपेयर किया जाए तो फॉर्च्यूनर भी 201 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है विद 500 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, जबकि इसमें 247 और 550 दिया गया है। तो पावर के लिहाज से ये गाड़ी फॉर्चुनर से भी ऊपर है, और इसके अलावा क्योंकि हाइब्रिड है तो आपको एवरेज भी अच्छी देगी, ये आपको 18 की एवरेज देती है जो कि अगेन आपको विड्थ वगैरह देती हैं, तो एवरेज विड्थ वाली पावर इसमें फॉर्चुनर से भी ज़्यादा है। हर लिहाज से ये गाड़ी एक बेस्ट पैकेज है, और ड्यूरेबिलिटी के लिहाज से भी ये गाड़ी पाकिस्तान में ठीक ही जा रही है। अगर बात की जाए वारंटी की, तो इसके हाइब्रिड सिस्टम की वारंटी हैवल्स जो देता है वो है 160,000 किलोमीटर या फिर 8 साल, यानी कि गाड़ी 1.5 लाख किलोमीटर से ऊपर चल जाने के बाद भी वारंटी में होगी। ये अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। और इसके अलावा बाकी ट्रांसमिशन इसमें ऑटोमेटिक ही आती है, इंजन बेस का काफ़ी टाइटली पैक्ड है, और यहाँ पे इंस्टॉलेशन भी काफ़ी अच्छी दी गई हैं। बाकी फिर इसमें ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड वगैरह भी आते हैं, और इसकी बोनट के अंदर इंस्टॉलेशन भी दी गई है। बाकी इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए गाड़ी के टायर साइज की, टायर साइज ऑफर करती है हैवल SX HEV, यह है 225, 55 और 19। टायर भी इसमें हैंक को क्वेंटस S1 आता है जो कि एक अच्छा टायर है, और आपको 50-60 किलोमीटर तक एक अच्छा राइड प्रोवाइड करेगा। बाकी रिम इस गाड़ी में 19 इंचेस का है, छोटे वजन में छोटे रिम आते हैं। ये रिम हैवी ऑल ब्लैक जो कि इसके लुक के साथ काफ़ी अच्छे से मैच कर रहा है, और इसके अलावा ये गाड़ी ऑल व्हील डिस्प्ले को ऑफर करती है।
फिर इसमें ABS ड्राइविंग मोड ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह भी आते हैं जो कि स्केलेट को और बेहतर बनाते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास गाड़ी से रिलेटेड कोई राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।